जीने का असली तरीका हमें शिक्षक ही सिखाता है। गुरु ही हमें हमेशा सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ क्योंकि मुझे आप सभी गुरुजनों के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। हमारे चौबू और समस्त गुरुजनों का सुरक्षा कवच हमें महसूस करती हूँ। इस विद्यालय के समस्त गुरुजनों का बिना किसी भेदभाव के भावना में हमें हमारा भविष्य उज्ज्वल हो सके ऐसी शिक्षा प्रदान करते हैं। गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहद और पवित्र हिस्सा है जिसके कई स्मरणीय उदाहरण इतिहास में दर्ज है। शिष्य उस माली के समान है जो एक बगीचे को अलग अलग रूप रंग में फूलों से सजाता है, जो छात्रों को कांटों पर भी मुस्कुराने चलने के लिए प्रेरित करता है। आप शिक्षा को हर घर तक पहुंचाने के लिए तमाम सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षकों को भी वह सम्मान मिलना चाहिए जिसके वह हकदार है। आज का यह हमारा छोटा सा प्रयास की समस्त गुरुजनों के सम्मान में सादर समर्पित है। विशाल कुल संभव विद्या संबंध है
जी जिंदा इवो की सुबह व्यक्ति है ना, जिस प्रकार अपने कुल में विराजमान होता है, ठीक है, उसी प्रकार जो अवगुण युक्त व्यक्ति होता है ना, वो समाज में नहीं माना जाता। लाइक दैट एक प्रकार का पुष्प होता है किंशु का, है ना, वह सभी पुष्पों में भिन्न प्रकार से दिखता है, क्यों, उसके गुण के कारण। तो आप में यदि किसी भी प्रकार से एक एबिलिटी होती है, जो कि क्या बोलते हैं उसको, एक कल्चराइज सांस्कारिक जो चीजें होती है, वो बच्चा अलग से ही दिख जाता है कि उसको सांस्कारिक जो चीजें मिल गई अपने घर से, माता पिता से, है ना, वो संस्कार आप में धड़कते हैं। जो टीचर्स आपको जो संस्कारिक चीजें बताते हैं वे आपके अनुशासन में दिखती है। तो इसी प्रकार आप अपने जीवन का निर्वाह करते हो, जिस प्रकार आपको अपना अनुशासन मिलता है अपने टीचर्स से, अपने माता पिता से, या फिर अपने परिवार समाज से, ठीक है। तो हमेशा अच्छी चीजों को स्वीकारें और जो गलत चीजें हैं उन्हें अपने से दूर रखें। धन्यवाद। अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण, मतलब कि काम चेष्टा है तो वे जैसी चेष्टा होनी चाहिए। कुछ भी प्राप्त करने की अगर हमारे मन में इच्छा है तो कौवे की जो चेष्टा होती है वो इसी तरह से होती है। जब वो इन्हीं नाव जो उनको चाहिए होता है वो प्राप्त करता ही है। भगो धारणा मतलब जब जो बगुला होता है उसका ध्यान हो, ऊपर कितना भी ऊपर चला जाए और कहीं भी हो, उसका ध्यान अपने गोल पर ही होता है। स्वान निद्रा मतलब कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए, मगर थोड़ी सी भी आहट होती है तो जो कुत्ता होता है वो तुरंत चौकन्ना हो जाता है ना। अगर वो गहरी नींद में भी सोया होता है तो तुरंत उसके कान खड़े हो जाते हैं, आंखें नहीं खाली होगा। अल्पाहारी मतलब बहुत ज्यादा हमको आहार नहीं लेना चाहिए। ग्रह त्यागी मतलब अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, पहले गुरुकुल में बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए तो उनको अपना घर अपने पेरेंट्स को उसको छोड़कर जाना होता है। तो हमको भी मतलब ग्रह त्यागी तो बच्चे हो नहीं सकते, पर फिर भी अगर आपको पढ़ाई के लिए कहीं भी जाना पड़े तो शहर शाम अपने घर को भी त्याग करके और आगे बढ़े। ये ही विद्यार्थी के 5 लक्षण है। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ये 5 जो लक्षण है इनको अपने जीवन में उतारना होगा, है ना। तो और एक चीज और, जो जितना ज्यादा लर्न करेगा वो उतना ज्यादा अर्न करेगा, है ना। बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और बहुत अच्छा नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा।
देते बाकी है, अखियों में आजा साथी है। नारी नारू हो नारी रू, नारी नारू हो नारी रू। वहां तक वो सीमित नहीं है कि केवल उनका जन्म दिवस था, इसलिए ये एक्चुअल में हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो गुरुजन हैं, उनके प्रति हमारा भाव, उनके प्रति आदर, उसके लिए हम एक्चुअल में ये आज का दिन जो है वो सेलिब्रेट करते हैं।